नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर व आसपास के आज के मुख्य समाचार। ई ट्रेंडिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में हरियाणा में लगातार सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं इस कड़ी में आज रादौर क्षेत्र के सरपंचों ने भी खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरपंचों ने सरकार व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से ई ट्रेंडिंग व राइट टू रिकॉल को वापस लिए जाने की मांग की। रादौर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान प्रतिनिधि पम्मी खेड़की ने बताया कि सरकार सरपंचों पर इन दोनों नियमों को थोपना चाह रही है, जिससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर इन दोनों नियमों को लागू ही करना है तो पहले वह सांसद व विधायकों पर भी लागू करे। एक तो ये ई टेंडरिंग का जो मुद्दा चला रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, वो आपको भी ज्ञात, सभी को ज्ञात है। उसके बारे में टवाणा में हमने एक महासम्मेलन महापंचायत का भी आयोजन हुआ था, उसमें भी सभी साथियों ने भाग लिया था। ये बंद होनी चाहिए और राइट टू रिकॉल वो भी वापस होना चाहिए सरकार का। सरकार ज़बरदस्ती का रवैया अपना रही है और परेशान करने का काम कर रही है। ये जैसे पहले मैनुअल चले जा रहे थे वैसे ही चलना चाहिए। और जैसे MLA है, अपना MP है, वो चुन के आते हैं, सरपंच भी ऐसे चुन के आते हैं। MLA MP लहर में बन जाते हैं, पर सरपंच बनना लहर का काम नहीं है, वो गांव के सहयोग से बनता है। और जैसे आए दिन देवेंद्र बबली उनके भाई सरपंचों के साथ अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी चाहिए भी अपनी वाणी को भी थोड़ा विराम दें और सब सोच समझ के बोलें। सरकार को अब ये 2 साल पंचायतें भंग रही, उसमें सरकार उस खाते में निरीक्षण करवाए भी, उसमें कितना साफ सुथरा काम हुआ, उसमें देखो सारे पैसे वो जो भी था सिस्टम वो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, कोई सही काम नहीं हुआ। ये सारी शर्तें सारे फैसले सरपंचों भी लागू होते हैं क्या? सरपंच लागू होते भी 10वीं पास सरपंच होना चाहिए, MLA अनपढ़ बैठे इनके, MLA भी 10वीं पास करो, BA करो, सरपंच 10वीं पास, जिसने गांव में बोलना, जिसने विधानसभा में बोलना वो अनपढ़ बैठे, उनके भी सारे नियम कानून सरपंचों में लागू होते हैं क्या? है राइट टू रिकॉल उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए जो अपने हल्के में भी जाके नहीं पढ़ते। ईमानदारी अभी जिंदा है, इसका जीता जागता उदाहरण आज उस समय देखने को मिला जब रादौर थाने में तैनात होमगार्ड जवानों ने SK मार्ग पर खड़े करीब 20,000 कीमत के मोबाइल फोन को उसके मालिक को लौटाया। रादौर थाने में तैनात होमगार्ड के जवान विजय जसबीर वामित ने बताया कि आज BDPO कार्यालय में सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर उनकी ड्यूटी कार्यालय के मुख्य गेट पर लगी थी। इसी दौरान उन्होंने सड़क पर लावारिस हालत में पड़े मोबाइल को देखा और उसे अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद उस मोबाइल पर फोन आया जिसमें फोन करने वाले ने मोबाइल अपना बताया, जिसके बाद उन्होंने फोन को BDPO ऑफिस के पास से ले जाने के लिए उसे कहा, जिसके बाद मोबाइल फोन लेने के लिए सोनीपत निवासी सुनील कुमार आया जिसे उन्होंने मोबाइल की पहचान कर उसे दे दिया। जिसके बाद होमगार्ड की इस ईमानदारी पर न केवल मोबाइल के मालिक बल्कि वहां मौजूद लोगों ने भी 3 होमगार्ड की प्रशंसा की। DAV पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बुधवार को आर्य युवा समाज के तत्वाधान में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों व बच्चों को गर्म वस्त्र भेंट किए। प्रिंसिपल रमन शर्मा ने बताया कि इस भयंकर सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों की हालत खराब है, तो ऐसे में सड़क पर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की व उनके बच्चों की क्या हालत होगी। इस स्थिति को देखते हुए आर्य युवा समाज DAV पब्लिक स्कूल के सभी सदस्यों ने मिलकर पुराने गर्म कपड़े इकट्ठे किए और गरीबों में बांटे। भारत विकास परिषद शाखा रादौर द्वारा सेवा प्रकल्प के अंतर्गत भयंकर सर्दी से बचाव के लिए बकाना रोड पर स्थित ईंट भट्टे पर गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। परिषद के सचिव सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति परिषद परिवार के महिला व पुरुष सदस्य द्वारा मिलकर सर्दियों में कम्बल व गर्म वस्त्रों का वितरण जरूरतमंद व वंचित वर्ग के लोगों में किया जाता है। रादौर के छोटा बास के वार्ड नंबर 2 में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आलम यह है कि वार्ड की महिलाएं खुद नालियों में पड़ी गंदगी को साफ करने पर मजबूर हैं, जिसके चलते वार्डवासियों में पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था को लेकर रोष है। स्थानीय निवासी रामवती, जोगिंद्रो, मीना, सुनीता, चंद्रकली व दुर्गा आदि ने बताया कि उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। पिछले करीब 1 महीने से उनके वार्ड में नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी डोर टू डोर कचरा लेने नहीं पहुंच रहा है, जिससे उन्हें मजबूरन खुद ही सफाई करनी पड़ रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से उनके वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।